नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? जय भोलेनाथ की। दोस्तों, आज सावन का तीसरा सोमवार है। हर जगह बम बम भोले के नगाड़े बज रहे हैं, हर जगह हरियाली है, हर जगह भीगा मौसम है, चारों तरफ भगवान शंकर की शंकर भोले की जयकारे हो रही हैं। दोस्तों, सावन का महीना ही बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा महीना है, शुभ महीना है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैंने दोस्तों आपको बताया था कि सावन के पहले सोमवार को आप सब दोस्तों मैंने बताया था कि सावन के पहले सोमवार को आपको अक्षत यानी चावल चढ़ाने हैं, दूसरे सोमवार को तिल चढ़ाने हैं मुट्ठी भर के, और तीसरा सोमवार है दोस्तों आज आप मूंग की दाल चढ़ाइए, और चौथे सोमवार को आप जौ चढ़ाएंगे, और दोस्तों लास्ट सोमवार आपको सत्तू चढ़ाना है। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितनी भी टेंशन है, वो सब दूर हो जाए और हम अच्छे से रह सकें। तो ये सावन का जो सुंदर सा महीना चल रहा है, तो आप सब इस महीने में कुछ मैं छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, वो ज़रूर कीजिए। सबसे पहला उपाय ये है कि सावन की जो अमावस्या आई है, उसके दिन आप कुएं में, अपने आसपास घर के कुआं हो आपके आसपास, तो उसमें आप एक चम्मच दूध डाल दीजिए, और उसको आप हमेशा ही उस पानी को इस्तेमाल कीजिए, और आप देखिएगा चमत्कार कि कैसे आपकी किस्मत बदलती है। दूसरा उपाय ये है दोस्तों कि आप काला धागा ले लीजिए, सॉरी काला नहीं, लाल धागा लीजिए। लाल धागे में आप 9 गांठ लगा लीजिए। 9 गांठ लगा के आप उसे अपने हाथ में, सीधे हाथ में, या आप उसे गले में धारण कर सकते हैं। 9 गांठ लगा के आप उसे अपने गले में या हाथ में धारण कर सकते हैं, लेकिन कमर में या पैरों में नहीं धारण कीजिए। तो दोस्तों देखिएगा, और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो आपने ये धागा अपने हाथ में या गले में बांधा है, उसे सावन के साथ, जो 7 तारीख आ रही है, उसके दिन सावन समाप्त हो जाएगा, तो उसके दिन आप दोस्तों उसे कहीं सुनसान जगह में मिट्टी में गाड़ दीजिए, और उसे गाड़ के आप पीछे मुड़ के मत देखिए, चुपचाप आ जाइए। तो देखिएगा आपकी किस्मत कैसे चमकती है, आपकी सारी परेशानियाँ, आपकी सारी कठिनाइयाँ, आपके सारे संकट सारे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जब सोमवार आता है और ये सावन के सोमवार चल रहे हैं, बहुत ही सुंदर और शुभ सोमवार हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले आप अपने जो नहाने का पानी है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा तिल आप डाल लीजिए, और कपूर का तेल डाल लीजिए। दोस्तों, अगर कपूर का तेल ना मिले तो 2 टिक्की आप कपूर की डाल लीजिए। दोस्तों, आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए आज अपने जल में तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें जल डालिए, उसमें दही, दूध, शहद, चीनी, घी, बारिश का पानी, गन्ने का रस, मौसमी का रस डाल के आप जरूर श्रद्धा और विश्वास से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। कुछ चीज़ें दोस्तों शिवलिंग पर नहीं चढ़ती हैं, जैसे तुलसी दल, जैसे केतकी, जैसे कुमकुम, ये शिवजी जी पर नहीं चढ़ती हैं। दोस्तों, मैं बताने जा रही हूँ कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, जिस घर में शादी में रुकावट आ रही है, कोई भांजी मार देता है, तो आप दोस्तों क्या करें कि माखन मिश्री ले लीजिए, और उसमें आप बेल पत्र में उसमें रख रख के शिवलिंग पर चढ़ाइए, तो देखिएगा आपकी सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। दोस्तों, एक बात बताने जा रही हूँ, जिनको धन की आवश्यकता है, तो चाहते हैं कि मेरे घर में हर समय हरियाली रहे, तो आप सब खीर बना लीजिए। खीर मतलब चीनी डाल के, दूध डाल के चावल में खीर बनाइए, खूब प्यारी सी, खूब श्रद्धा और विश्वास के साथ।
शुभ दिन चल रहे हैं, सावन का महीना है, शिव जी जी की चारों तरफ शिव 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 भोले 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 का नाम जपा जा रहा है। तो इस दिन आप खीर बनाइए सच्चे मन से और ठंडी करके शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, तो देखिए कैसे आपके घर में पैसे आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं घर में सुख समृद्धि रहे तो ज़रूर भोलेनाथ को यानी शिवलिंग को पर आप भांग जरूर चढ़ाइए। तो भांग भी ऐसे प्यार से पीसिए, उसे पीस पीस के उसमें ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जा का जाप करते करते उसे पीसते जाइए और शिवलिंग पर जरूर चढ़ाइए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति रहे तो मैं आपको ये उपाय तो बता ही रही हूँ, लेकिन जिन दोस्तों के राहु केतु शनि दोष इस तरह के दोष चल रहे हैं, ग्रह बहुत बुरे चल रहे हैं, उन्हें हर समय डर लगता है सड़क पे जाने में, डर लगता है, सपने बुरे बुरे आते हैं, तो उनके लिए मैं एक उपाय बताती हूँ कि उन्हें बाबी जो सांप का जो घर होता है उसकी मिट्टी, तालाब की मिट्टी, गंगा की मिट्टी, हरिद्वार जाएं तो वहाँ से मिट्टी ले आएं गंगा जी की, वो मिट्टी, तो इस तरह की मिट्टी ला करके जो भी तीर्थ स्थान में जाते हैं वहाँ की मिट्टी लाकर दोस्तों आप 108 शिवलिंग बना लीजिए और उसमें 108 शिवलिंग बनाकर आप उसका अभिषेक कीजिए। गंगा जल, तुलसी नहीं लगती है, भगवान शंकर भोलेनाथ को तुलसी जी नहीं प्रिय हैं तो वो मत मिलाइए दोस्तों, उसमें गंगा जल, शहद, घी, मिश्री इस तरह से मिला करके आप शंकर भोले बाबा का अभिषेक कीजिए। और जिन दोस्तों को संतान नहीं मिल पा रही है तो उन्हें आटा के शिवलिंग बना करके, आटा मल लीजिए, उसके शिवलिंग बनाकर 11 शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक कीजिए भोलेनाथ पर। दोस्तों, भोलेनाथ पार्थिव जरूर है लेकिन वो हर चीज़ देख रहे हैं, किस भक्त में श्रद्धा है, किस भक्त में विश्वास है, उसी तरह से वो हमें सब कुछ वरदान स्वरूप दे जाते हैं। दोस्तों, ये कल्प सर्प योग के मैंने उपाय बताए हैं, कल्प सर्प राहु केतु चल रहा है तो ज़रूर आप ये उपाय करें। दोस्तों, एक अलग उपाय बताती हूँ जिनके कूर ग्रह चल रहे हैं, तो वो घोड़े की नाल ले लें, वो काले घोड़े की नाल, उसी में घोड़े की नाल में जो काला घोड़ा है उसे पहनवा दें तो उनके जो बुरे ग्रह दोष हैं वो दूर होते हैं और उनको हमेशा सुख मिलता है, शांति मिलती है उनके ग्रह को। और दोस्तों, आप एक और उपाय कर सकते हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, ज़रूर करिए और आपको ज़रूर इसके फल मिलेंगे और ज़रूर आप धन दौलत से मालामाल होंगे। अगर ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।